रामचरितमानस पर विवादित बयान बढ़ सकती है, स्वामी प्रसाद की मुश्किल, हिंदू महासभा ने दो थानों में दी तहरीर। रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में सोमवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हजरतगंज व ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी गई है। इनमें केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी व वकील शिशिर चतुर्वेदी ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। उधर शाम 4 बजे स्वामी प्रसाद के घर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिविल अस्पताल के सामने रोक लिया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक उनके बीच नोकझोंक हुई। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक तहरीर की जाँच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद केस दर्ज किया जाएगा। ठाकुरगंज बालागंज आजाद नगर निवासी अवधेश तिवारी ने ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री का कृत्य हिंदुओं की आस्था पर चोट है। प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज विकास राय ने भी कहा तहरीर की जांच रिपोर्ट आने पर केस दर्ज किया जाएगा। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर विवाद को बढ़ा दिया है। सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।